नमस्कार, मैं श्रुति। आज है 24 दिसंबर। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। लखीसराय के जलप्पा स्थान में देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटीनुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां जलप्पा देवी स्थान जिले में काफी प्रसिद्ध है। जलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार एवं शनिवार को दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बनू बगीचा से 2 किलोमीटर उत्तर पहाड़ी क्षेत्र व जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित जलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। बिहार में कनकनी से अभी नहीं मिलेगी राहत। सभी बिहार वासियों के लिए अहम सूचना। अभी बिहार वासियों को ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं जताई जा सकती। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार अभी बिहार में बर्फीली हवाओं का प्रवाह जारी रहेगा, जिससे कि मौसम में ठंड का असर और कनकनी भी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में तो बारिश के होने की संभावना भी जताई जा रही है। पटना यूनिवर्सिटी को जल्द ही मिल सकता है केंद्र विश्वविद्यालय का दर्जा। पटना विश्वविद्यालय का जल्द ही प्रमोशन हो सकता है, जिसकी पहल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की है, जो कि अब पूरा होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। यहां तक कि पटना यूनिवर्सिटी ने भी इस बाबत नए प्रस्ताव को बनाने की पहल तेज कर दी है, जिसके लिए कमेटी का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उसे शीघ्र, अतिशीघ्र उपराष्ट्रपति के पास भी भेज दिया जाएगा। आईटीआई में शामिल किए जाएंगे नए ट्रेंड। आईटीआई कर रहे सभी छात्रों के लिए अहम सूचना। जल्द ही सभी आईटीआई में मौजूदा समय की मांग के अनुसार इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले ट्रेंड को हटा दिया जाएगा। अब सभी आईटीआई संस्थानों में छात्रों के रोजगार और बाजार की जरूरतों के अनुकूल ही नए ट्रेंड्स का जुड़ाव किया जाएगा, जिसकी जानकारी पटना के श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दे दी है। उनका कहना है कि आउटडेटेड ट्रेंड होने के कारण पिछले सभी ट्रेंड अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। दरोगा बहाली परीक्षा किसी तरह हुआ संपन्न। बिहार के 495 केंद्रों पर बीते दिन दरोगा बहाली की परीक्षा का आयोजन किया गया था, मगर परीक्षा के बीच में प्रश्न पत्र लीक होने की खबर ने शांतिपूर्ण माहौल को खराब कर दिया। मगर कुछ ही समय बाद छात्रों को ऐसी बातों से प्रभावित न होने का विश्वास भी दिलाया गया, जिसके बाद यह परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। आपको बता दें कि दरोगा परीक्षा के लिए कुल मिलाकर 2,446 पदों पर बहाली निकाली गई थी। छपरा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 70 करोड़ रुपए का दिया चेक। जल जीवन हरियाली यात्रा के चौथे चरण के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के छपरा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही साथ लगभग 5 दर्जन लाभार्थियों समूह को 70 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह राशि छपरा में जारी सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत दिया है। बिहार में जूनियर इंजीनियर पद के लिए निकाली गई बंपर रिक्तियां। बिहार में जूनियर इंजीनियर के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग ने 463 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना जरूरी है। वहीं हम आयु सीमा की अगर बात करें तो उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 8 जनवरी तक urban.bih.nic.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। क्रिसमस को लेकर बाजारों में बढ़ी मांग। कल क्रिसमस से पहले सूबे के सभी बाजार जगमगा रहे हैं। क्रिसमस के लिए बाजारों में मांग भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। सबसे ज्यादा बाजार में क्रिसमस ट्री और सितारों की मांग देखने को मिल रही है। इसके अलावा लोग बाजार में कागज, मिट्टी और लकड़ी की बनी चरनी की विशेष रूप से खरीदारी कर रहे हैं। लाइट वाली चरनी की मांग भी खूब देखने को मिल रही है। खास महाल वासियों ने मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास महाल नीति 2011 के अनुसार वहां रह रहे निवासियों को उनके घर से निकाला जा रहा है, जिसके पश्चात वहां के निवासियों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए यह मांग की है कि सरकार वहां रह रहे लोगों को उनके अधिकारों से वंचित ना करे। ज्ञात हो उक्त मांगे खास महाल सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी ने पटना के कदम कुआं स्थित सेंट सेवरेंस स्कूल में आयोजित एक बैठक में की है। अब आइए जानते हैं बिहार के जाने माने हस्ती के बारे में। आज हम बात करेंगे कृति आजाद की। कृति आजाद भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर गेंदबाज हैं। क्रिकेटर से राजनीतिक बने कृति आजाद का जन्म बिहार के पूर्णिया जिले में 2 जनवरी 1959 में हुआ था। क्रिकेट की दुनिया में कृति आजाद ने 1980 में वनडे मैच से अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की थी। वहीं 1981 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला डेब्यू किया था, जहां वो पहली दफा न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे। इसके साथ ही उन्होंने 1983 में कृति आजाद ने अपना आखिरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था।
अगर हम कृति आजाद के खेले गए मैचों में प्रदर्शन की बात करें तो कृति ने भारतीय टीम की तरफ से कुल मिलाकर 7 टेस्ट मैच खेले थे जिसमें 3 विकेट अपने नाम पर दर्ज किए थे। झारखंड परिणाम का असर बिहार के सियासी समीकरण पर भी। 5 चरणों में कुल 81 सीटों के परिणाम की घोषणा कर दी गई है जिससे कि भाजपा को यकीनन निराशा का सामना करना पड़ा है, मगर झारखंड के परिणाम का असर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक नेतृत्व पर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा की यह दशा आगामी चुनाव में भी देखने को मिलेगी। तो अब गठबंधन का साथ देना भाजपा की मंजूरी से ज्यादा मजबूरी होगा। मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार में ग्रैंड फैशन शो का हुआ आयोजन। मिस एंड मिसेस ग्लोबल बिहार का आयोजन पटना के एक होटल में किया गया था जहां पर सभी प्रतिभागियों ने बिहारी लुक का जलवा दिखाया। खबरों की माने तो उपस्थित लोगों को आयोजित की गई इस फैशन शो को देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसे किसी फैशन शो का आयोजन बिहार में भी किया जा सकता है। ज्ञात हो इस ग्रैंड फैशन शो के अलावा आयोजित इस कार्यक्रम में नारी शक्ति को भी सम्मानित किया गया था। परिणाम से पूर्व तेजस्वी यादव ने किया था दावा। 5 चरणों में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है, मगर परिणाम आने के पूर्व ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने झारखंड के अगले मुख्यमंत्री पर अपनी भविष्यवाणी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि झारखंड में निश्चित रूप से महागठबंधन की सरकार बनने वाली है और हेमंत सोरेन ही झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके आगे उन्होंने कहा था कि इस चुनाव में महागठबंधन क्लीन स्वीप करने वाली है। दरोगा की प्रारंभिक परीक्षा में 1096 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। हाल ही में बिहार परीक्षा अवर सेवा आयोग द्वारा दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की तादाद में परीक्षार्थियों ने आवेदन भरा था, मगर परीक्षा के दिन लगभग 1096 परीक्षार्थी अनुपस्थित पाए गए। ज्ञात हो दरोगा बहाली के लिए ली गई इस परीक्षा को 2 पालियों में लिया गया था जो कि सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक जारी रहा था। झारखंड में काम आई लालू नीति। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं जिसमें महागठबंधन सरकार की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है, जिसके पश्चात महागठबंधन के सभी नेता खुलेआम और साफ शब्दों में लालू यादव को झारखंड चुनाव का किंग मेकर घोषित किया है। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि जिस तरह से झारखंड में महागठबंधन जीती है उसके पीछे लालू यादव ने अहम भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र के बाद जनता ने भाजपा को झारखंड में भी नकार दिया है और अब बिहार की बारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनिलाल ने दुनिया को कह दिया अलविदा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुनिलाल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है जिसके पश्चात इस खबर से राजनीतिक जगत भी शोक में डूब चुका है। बिहार के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन भी अर्पित की है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने मुनिलाल के गुजर जाने पर श्रद्धासुमन व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जाना राजनीतिक जगत के लिए बेहद ही बुरी खबर है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुनिलाल बिहार के दिग्गज नेताओं में से एक थे। NDA से शासनकाल में वो भाजपा के केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में लोजपा और जदयू का नहीं खुला खाता। झारखंड विधानसभा चुनाव में अकेले अकेले अपनी किस्मत आजमा रही जदयू और लोजपा को झारखंड की जनता ने सिरे से नकार दिया है। NDA से अलग हुई दोनों पार्टियां झारखंड में खाता खोलने तक में कामयाब नहीं हो पाई। आपको याद दिला दें कि झारखंड चुनाव से पूर्व जदयू और लोजपा दोनों ही पार्टियों ने अकेले मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया था, मगर उनका यह निर्णय उन्हीं पर भारी पड़ गया। झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन सरकार की हुई जीत। 5 चरणों में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम की घोषणा कर दी गई है जिसके बाद इस महागठबंधन की सरकार अगले 5 सालों के लिए झारखंड में काबिज हो गई है। यकीनन इस चुनाव परिणाम से भाजपा की उम्मीद काफी थी, मगर महाराष्ट्र और हरियाणा की तरह झारखंड की जनता ने भी भाजपा सरकार को सिरे से नकार दिया। महागठबंधन की इस जीत के पश्चात अब मुख्यमंत्री की घोषणा भी जल्द कर दी जाएगी। हालांकि अभी तक हेमंत सोरेन का नाम चर्चाओं के बाजार में सुनने में आ रहा है। कांग्रेस के सदानंद सिंह ने नीतीश को वापस आने का दिया न्यौता। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद राजद पार्टी में खुशी की लहर दौड़ रही है। दरअसल झारखंड की जनता ने महागठबंधन को आगामी 5 सालों के लिए राजनीति की बागडोर सौंप दी है। यहां तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी का न्यौता भी दे दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि झारखंड के परिणाम से अब यह साफ है कि बिहार में भी अब हमारी ही जीत होगी। नेशनल फिल्म अवार्ड में पैडमैन को मिला अवार्ड। नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 का आयोजन दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया था जहां पर उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू सभी विजेताओं को सम्मानित करने पहुंचे थे।
जहां पर अक्षय कुमार की पेडमैन फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इश्यू से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने हाथों से अभिनेता अक्षय कुमार को यह अवार्ड सौंपा। इससे पहले भी अक्षय कुमार को उनकी फिल्म रुस्तम के लिए बेस्ट एक्टर से नवाजा जा चुका है। धोनी का भारतीय क्रिकेट में 15 साल हुए पूरे। दुनिया के सबसे सफल कप्तान जिसने आईसीसी के तीनों ही टी20 और एक दिवसीय विश्व कप तथा चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, उस पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कल 23 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना 15 वर्ष पूरा किया। आपको बता दें कि धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश में किया था। अब तक उन्होंने भारत के लिए 350 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिसमें 50.58 की औसत से 10,773 रन बनाए हैं। टेस्ट मैचों में उन्होंने 90 मैचेस खेले हैं, जिसमें 38 की औसत से 4,876 रन बनाए हैं। अगर टी20 की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए 98 मैच खेले हैं, जिसमें 37 की औसत से 1,617 रन बनाए हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 22 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 37,470 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 39,350 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 48,400 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 79.3 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 71.65 रुपए प्रति लीटर था। आइए बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। पछुआ हवा के कारण ठंड का असर धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या कहता है। अरवल, सारण, दरभंगा, गया, किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, भागलपुर, अररिया, बांका, शेखपुरा, सीतामढ़ी, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, नालंदा, नवादा, सहरसा, समस्तीपुर, सुपौल, कैमूर में हल्की धूप के साथ ही पछुआ हवा के कारण मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, तो वहीं बादलों का आना जाना भी लगा रहेगा। तो वहीं मुजफ्फरपुर, खगड़िया, वैशाली, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, छपरा, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, वेस्ट चंपारण, जहानाबाद, सिवर में मौसम में ठंड का असर बढ़ेगा, मगर कई जगहों पर बादल भी छाएंगे, तो कुछ जगहों पर हल्की धूप निकलने की संभावना भी है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे शिवहर। जल जीवन हरियाली यात्रा को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हुए हैं। इस क्रम में वो सोमवार को शिवहर जिले पहुंचे थे, जहां उनके आगमन से पहले पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम कर दिए गए थे। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत शिवहर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चमनपुर पंचायत के गढ़वा गांव में जल जीवन हरियाली यात्रा के तहत जीर्णोद्धार कराए गए सभी तालाबों का निरीक्षण किया, साथ ही साथ शिवहर समाहरणालय मैदान में जागरूकता सम्मेलन का भी संबोधन किया। छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश ने गाय को खिलाया चारा। जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के छपरा जिले में, जहां उन्होंने छपरा जिले के एकमा प्रखंड के छपिया गांव में चल रही जल जीवन हरियाली यात्रा से जुड़ी योजनाओं का जायजा लिया, साथ ही साथ प्रखंड के किसानों से भी बातचीत की और कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण भी किया, जिसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरत फिरोज मत्स्य बीज हैचरी पहुंचे, जहां उन्होंने गायों को चारा खिलाया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा या नहीं, इसका जवाब आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। बिहार जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।